अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। तो मैं हूँ सबीना अशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड व्लॉग्स। और आज मैं बना रही हूँ एक और बेकिंग की अमेजिंग सी डिश। मैं बना रही हूँ बनाना ब्रेड। बहुत मज़ेदार सी बनती है, डिलीशियस, फ्लफ़ी, सॉफ्ट। मतलब इसके जितने भी तारीफ मैं करूँ ना वो कम है। देखने कितनी सॉफ्ट बनी है। फ़ाइनल लुक आप इसका देख चुके हैं। बनाना बहुत आसान है, जिनके पास बीटर नहीं है ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। आप इजीली इसको बना सकते हैं, इसके अंदर बीटर वगैरह कुछ यूज़ नहीं होगा। तो चलें किचन में चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही आसान से हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप मैदा, छान के मैंने रखा हुआ है, फिर भी मैं आगे छानूंगी लाजमी इसको, क्योंकि जितना अच्छा आप इसको स्ट्रेन करते हैं ना, छानते हैं, उतना फ्लफ़ी आपका रिज़ल्ट आता है बेकिंग में। 1 टीस्पून ईच बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर सिनेमन पाउडर जाएगा और चुटकी भर नमक इसके अंदर जाएगा। 2 अंडे इसमें चाहिए हमें, पाउडर शुगर चाहिए और ब्राउन शुगर चाहिए, 1/2 कप दोनों, और वनीला एसेंस। दैट्स इट, इतने से इंग्रेडिएंट है। बनाना ब्रेड है, बनाना लाजमी होगा ऑब्वियसली इसके अंदर, तो 3 बनाना मैं ले रही हूँ। अच्छा, बनाना ब्रेड, बनाना मफिन्स बनाने के लिए ना आपको वो बनाना लेने होते हैं जो बिल्कुल रिप्ड हो, मतलब बिल्कुल ब्लैक हो चुके हों। वो काले जो हो जाते हैं ना, वो फेंकने नहीं होते, वो इसका मतलब होता है वो बहुत रिच होते हैं। आपको बनाना ब्रेड, बनाना मफिन्स और इन तरह की डिशेस बनाने में ना ये परफेक्ट होते हैं। जो बिल्कुल येलो होता ना, उससे इतना अच्छा जायका नहीं आता। वो असल मैं कहूँगी कि वो असल जायका नहीं आता जो आना चाहिए इस ब्रेड की या इस डिश की जो डिमांड है। ब्रश कर लेते हैं एक लूफ पैन में। मैं बटर पेपर ऐड करके इसको थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ ताकि इसको हमें निकालने में आसानी हो, तो हैंडल बन जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स बनाना। ड्राई इंग्रेडिएंट्स से पहले मैं काम करूँगी। अच्छा, 2 कप मैदे से मैं बना रही हूँ, तो क्वांटिटी आप देख चुके हैं। अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप बढ़ाना चाहते हैं, आप क्वांटिटी को डबल कर देंगे। अगर आप 1 कप का लेके आना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी हाफ कर देंगे। अच्छा, इस ब्रेड की ना ख़ास बात यह है कि ये बनती वैसे केक की तरह है, तो लेकिन इसका नाम जो है वो बनाना ब्रेड मशहूर है, और इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इनका एक अलग ही जायका आता है। सिनेमन पाउडर का जब आप इस बनाना ब्रेड को बेक करके निकालेंगे, एक अलग ही इसकी खुशबू होती है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं, अब इसको मैंने छान लेना है। एक स्टेप हमारा हो चुका है, अब आती है बारी वेट इंग्रेडिएंट्स की। बनाना जो है वो रिप नहीं थे, ब्लैक अगर नहीं है बनाना, रिप नहीं है, तो आप इसको 10 से 15 सेकंड का एक चक्कर दिला दें माइक्रोवेव में, ये बिल्कुल रिप हो जाएंगे। और जितना अच्छा नरम होगा बनाना, उतना अच्छा आपको इसको मुशी बनाने में भी टाइम नहीं लगेगा, ईजिली हो जाएगा और जायका भी अच्छा आएगा। 1 कप मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ, देसी घी मैं ले रही हूँ। आप इसको बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर में बनाने के लिए फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा बीटर, क्योंकि बटर को अच्छा सा क्रीमी बनाना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप वाइट पाउडर शुगर, बहुत फाइन पाउडर शुगर होनी चाहिए, और इसको ऑयल बोल रही हूँ घी को, जो देसी घी है, और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अब बारी है इसमें ब्राउन शुगर की, तो 1/2 दोनों शुगर इसके अंदर जाएंगी। इसको भी मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी ताकि ये सारी दोनों तीनों चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो जब तक मैं इसको करती हूँ मिक्स, आप जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी क्लिक कर दें। अच्छा, अब तक आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, शेयर और लाइक भी कर दिया होगा। तो अब बारी है इसके अंदर 2 अंडे डालने की, और अंडे हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेकिंग में जो चीज़ें होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे जाती हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर ही हों। अच्छा सा मिक्स मैंने कर दिया है सारे चीज़ों को, अब इसके अंदर बनाना ऐड करने की बारी है। बनाना ऐड करने के बाद भी मैं अच्छा सा इसको मिक्स करूँगी ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस मेक्स अ मैजिक इन दिस ब्रेड। मतलब इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू जब आप उसको ऐड करके मिक्स करते ना, तभी आपको मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो अच्छे से मिक्स कर लें, और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट सारा। और इसमें ये नहीं है कि आप बैजेस में ऐड करो, आप एक साथ ही सारा ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करके इसको अच्छे से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर विस्क मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि विस्क चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें स्पैचुला के साथ क्या होता है कि आप ईजी हैंड के साथ चलाते हो। अच्छा, अब आपके इसके अंदर जो है ना थोड़ी थोड़ी सी ना गुटलियाँ नज़र आ
बता रही होंगी, तो ये गुठलियाँ जो है ना, लम्स जो हैं वो बनाना के हैं, मैदे के नहीं हैं, फ्लोर के नहीं हैं। इसके अंदर मैंने हाफ कप जो है चॉकलेट चिप ऐड कर दी हैं। अच्छा, अब लूफ पैन तो पहले से हमने तैयार कर दिया था, उसके अंदर मैंने ये मिक्सचर ऐड करना है। आप देख सकते हैं कितना थिक ये बैटर बना है। तो ये बैटर जो है वो हमेशा थिक ही बनता है, इसके अंदर दूध हरगिज़ ऐड नहीं कीजिएगा कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा थिक है, तो ये थिक ही बनेगा। इसको थोड़ा सा टैप कर दें और लेवलिंग कर देती हूँ ताकि इन सारे कोनों में जो है वो मिक्सचर फैल जाए। थोड़े से चॉकलेट चिप जो मैंने बचा के रखे थे वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी, क्योंकि इससे अच्छा एक लुक भी आएगा और थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर भी आ जाएगा। अच्छा, इसको बेक करना जो है आपने तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स आपने इसको बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पे, और जो स्टोव बेकिंग कर रहे हैं वो 50 टू 60 मिनट्स बेक करेंगे। 45 मिनट्स हो चुके हैं बेकिंग करते हुए और हमारी जो ब्रेड है मज़ेदार सी वो तैयार हो चुकी है। और सेकंड बात यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि इसको चेक करने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर खुशबू आने लगे तो मतलब आपकी ब्रेड तैयार हो चुकी है। या फिर आप एक काम कीजिए, जब आप इसके सेंटर में ना, जब आपको ये थोड़ी फूली हुई नज़र आए तो आप इसके सेंटर में टूथपिक ऐड करके भी चेक कर सकते हैं कि अगर इसका सेंटर थोड़ा सा कच्चा है तो आप इसको थोड़ा सा और टाइम दें, क्योंकि हर ओवन की अपनी एक टाइमिंग होती है। तो मज़ेदार सी जो बनाना ब्रेड है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप सब कलर देखें, इतना खूबसूरत ब्राउन कलर आया है, और सबसे बड़ी बात ये फ्लफ़ी भी बनी है और इसकी खुशबू जो है ना वो अभी से पूरे मेरे घर में महक फैल चुकी है। तो कट करके मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट ठंडा करें उसके बाद कट करें, क्योंकि गरम गरम चीज़ जो केक अगर आप कट करते हो ना तो वो थोड़ा सा फैल जाता है या फिर सही से कट नहीं हो पाता। तो थोड़ा ठंडा करके इसको फिर कट कीजिएगा। ये देखें कितनी मज़ेदार सी ब्रेड जो है वो तैयार हो चुकी है, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि कैसी लगी आपको रेसिपी। अगली रेसिपी और वीडियो तक मैं आपसे लेती हूँ अब इजाज़त। अपनी दुआओं में, अपने सपोर्ट में हमेशा मुझे इसी तरीके से याद रखिएगा और इसी तरीके से मुझे अपना प्यार दिखाते रहिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।